क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। हाँ मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, कहाँ का पड़ेगा? बेलसरा रोड। पूरा एड्रेस बताइए अपना। बलिया जिला, बेलसरा रोड, बलिया जिला। कितने तारीख को आए थे आप ऑफिस पे हमारे? 3 फरवरी को। कैसे आए थे? वीडियो देख के सर। वीडियो देख कर जी। कंपनी का नाम क्या है आपका? गल्फ इंजीनियर। आप अपना टोटल प्रोसेस बताइए, ये इलेक्ट्रॉनिक जो वीज़ा निकला है जी, तो कैसे आपने मेडिकल कराया? इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा बहुत सारे आदमी का भी, जैसे मेडिकल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा निकला हुआ है जी, तो वो लोग भी मेडिकल जा रहे हैं। हाँ। तो वो लोग कंफ्यूज हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं होगा, होगा, पूरा होगा। पूरा प्रोसेस बताइए। नहीं नहीं होगा, मैं गया मेडिकल कराने, तो मैडम थी, तो जो साथ में जो मिला था पेपर ऊपर, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के साथ में जो मिला था एक पेपर, अब तो बोले कि ये पेपर की जरूरत नहीं है, खाली वीज़ा चाहिए। जो पेपर का जरूरत था, एक नोटिफिकेशन था, वो पेपर नहीं था, वो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन था, अनाउंस था कि हाँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पे मेडिकल हो जाएगा। हाँ। तो कुवैत गवर्नमेंट का मोहर और जो भी गवर्नमेंट के तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जी, उसका वो प्रिंट आउट मैंने निकाल के दिया था कि भाई देखो कोई मेडिकल वाले नहीं मानते हैं कि आपका नहीं करेंगे। हाँ, तो वो लगता है। हाँ, तब दिखाना पड़ता है ना। तो वो मैडम बोले इसका जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आ गया होगा। हाँ, पास जैसे सब जितने भी गम का सेंटर। हाँ, 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 आ गया होगा। नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। हाँ, हम इस पे इसके इसमें वीजा पे आप मेडिकल कराइए, हम मान्यता दे देंगे। जी सर, ठीक है। तो उनके पास आ गया होगा, तो क्या होगा आपका? तो वो बोले कि इसका जरूरत नहीं है, बस वीजा दीजिए, 3 फोटो जो है उसका कागज पूरा लगेगा, बस वो बस वही लगा। उसके बाद मेडिकल हुआ, 2 दिन बाद रिपोर्ट आया, शाम को फ़ोन किया 5 बजे, तो बोले कि आपका मेडिकल फिट है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बिसलरी, थोड़ा पानी उन्हें पीना पड़ेगा, थोड़ा नारियल पानी उन्हें पीना पड़ेगा। हाँ, बस यही है कि ये ट्रेन में चढ़ के जो है गंदा वंदा पानी जो है ये पीओ के नहीं जाना पड़ेगा। रेगुलर, हाँ रेगुलर कहीं का पी लिए जो बेच रहे हैं। हाँ, रेगुलर एकदम यहाँ से जाइए, बिसलरी पानी पीते रहिए। हाँ, नारियल पानी पीते रहिए। नारियल बिसलरी का पानी पीजिए या स्वच्छ पानी पीजिए। हाँ, स्वच्छ पानी पीजिए। हाँ, आर वाला पानी पीजिए, ये नहीं कि इधर, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत। हाँ, बहुत दिक्कत जा रहा है। उसमें हम लोग गए तो बहुत आदमी का अनफिट कर दिया, उन लोगों का थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम था, क्या क्या था। हाँ, वो तो जैसे ये। हाँ, हो लेकिन तो खान पान में हम सही रखेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अभी देखिए आपका मेडिकल कराने कितने तारीख गए थे? वीजा कितने दिन के अंदर निकल गया आपका? वीजा लगभग 2 महीना 10-15 दिन का वीजा निकल गया। वीजा निकल गया, पहले लिस्ट आया, लिस्ट के बाद से आपका वीजा, वीजा निकला। ठीक है, वीजा निकलने के बाद से आपने पीसीसी कितने दिन पहले करा लिया था? पीसीसी लगभग करा लिया था 1 महीना पहले। हाँ, पीसीसी भी आपका डन है? हाँ, ये आपका पीसीसी PCC इनको हो चुका है। देखिए ये PCC है, सब कंप्लीट है, PCC हो चुका है और मेडिकल अब हो ही गया। लेकिन ये फिट है, अब इनका जाएगा स्टैंपिंग के लिए जी, एम्बेसी में अब डायरेक्ट स्टैंपिंग के लिए जाएगा जी। और टिकट आपका होगा अगले महीने 15 या 20 तारीख तक। ओके सर, उससे पहले ही हो सकता है, स्टैंपिंग में जो भी टाइम लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। और आपका टिकट होगा। आपको आपका ये ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस एकदम बढ़िया लगा, जैसा काम है वैसा नाम है। हम तो बहुत खुश हैं, काम भी मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो गया, मेडिकल भी फिट हो गया, PCC भी सब काम हो गया, बढ़िया सब कुछ हो गया, ऑफिस एकदम बढ़िया है। कोई नहीं, कोई लिया गया था? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं, जब आए इलेक्ट्रॉनिक वीजा लिए तब पैसा में दिया, आधा पेमेंट पैसा में दिया। विदेश गए हैं? 6 साल थे सऊदी में। सऊदी में घर है बेलसरा रोड, बलिया जिला। सऊदी में 6 साल थे, सराफो कंपनी थे। एक कोरोना का सीजन था, तीसरी लहर में हम लोग छुट्टी आए थे। कितने कब आए थे? ये जो तीसरी लहर जो थी ना, मतलब कितने साल से? अभी 2 साल में थे, 2 साल से घर पे हैं। हाँ, और भी कहीं ट्राई किए थे? हाँ, एक जगह और ट्राई किए थे, तो सही आदमी नहीं था वो, पैसा ले गए 30,000 रुपया, हमको फंसा दिया था। पैसा डूब गया? हाँ, कैसे भी करके उससे पैसा उसे निकाला, पासवर्ड निकाला। उसके बाद मैं देखा आपका वीडियो डू, बिना वीजा का पैसा? हाँ, बिना वीजा का पैसा ले लिया था दुबई का। बोला कि दो पैसा दो, 30,000 मैं भेज देता हूँ। कोई भी काम नहीं कराया, बस मेरे को दौड़ाता था। उसके बाद
जब मेरे को गुस्सा वस्सा भरा तो उसके बाद घर पर जाके पैसा वैसा लेके वापस लेके आया घर पर। जब मैं देखा वीडियो वीडियो देखा तो आपका परफेक्ट ग्रुप का तो बढ़िया काम हो रहा था, तो सीधे मैं पापा में आया था 3 फरवरी को, डायरेक्ट इंटरव्यू दिया, पास हो गया। उसके बाद काम धीरे 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 सब कुछ होते चला गया। थोड़ा सा समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, बिना समय का काम नहीं होगा, काम नहीं होता है। पैसा वैसा कोई पहले आपसे नहीं कोई नहीं लिया गया था, कोई नहीं पैसा लिया गया, टोटल काम किया गया, वीजा के हाथ में पकड़ाया गया जी। आप कहीं से भी चेक करा सकते हैं, ये नहीं कि आप नहीं जाएगा, कहीं से भी चेक करा लीजिए, जो मैं दूंगा वो वीजा आपका 110% नहीं, हमको तो विश्वास था सर, हमको तो कल चेक भी नहीं कराना है, बस गए उसके बाद मेडिकल कराया, उसके बाद आपको वही मालूम चला, हाँ वो तो हमको कुछ आपका डाल कुछ कराना नहीं था, वो बारकोड है स्कैन करेगा, तुरंत मालूम चल जाएगा, हमको चेक भी नहीं कराए थे, जब हमको विश्वास है ऑफिस का तो मैं क्या चेक करूँ जी, यही तो है, हाँ जब विश्वास है तो मैं चेक कराऊँ। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जल्द ही स्टैंपिंग करके और फिर आपको कॉल कर दिया जाएगा जी सर, जैसे आपका कॉल किया गया था वीजा आ गया जी। कितना कॉल किया जा रहा है? कॉल लगभग दिन में 4-5 साल, अभी कल भी फोन किया गया, दो दिन पहले, हाँ मेडिकल आपका कहाँ है? कहाँ पे? हाँ तो मैं बोला था कि मैं अभी दिल्ली हूँ, उसमें मेडिकल रिपोर्ट लगे, मैं डायरेक्ट में आई हूँ, तो वही मैं डायरेक्ट में आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, दिल्ली से मैं अभी हूँ, और आपका लाइफ ट्रिप होगा।